एकादशी कौन है, कहां से प्रगटी है? है माया? नहीं नहीं एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है, क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी, दोनों बैठी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी। जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखना, एका का कन्यादान करना है। भगवान बोले कन्यादान करें किसको दें? एका किसको दी जाए? एका प्रदान किसको करी जाए? पुण्यता किसको दी जाए? भगवान नारायण ने उसी समय लक्ष्मी और पद्मा से पूछा, तुम बताओ पद्मा लक्ष्मी दोनों एका से पूछी, एका बताओ इसका पुण्य हम आपका हस्त कमल आपको प्रदान किसको करें, हम किसको दें? एका कहती है पिताजी, भगवान से कहती है नाथ कृपा करिएगा मेरे को, अगर प्रदान करना चाहती हो, अगर मुझे देना चाहते हो तो एक काम यदि आप देना चाहते हो तो। भगवान एक काम, माता ने कहा कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो, संसार के मनुष्य अगर मृत्यु लोक में आकर के अंदर दो एकादशी का भी पुण्य भाग अगर ग्रहण करते हैं तो ये एका उनकी होती है और वैकुंठ का राह खोल देती है। इनके जाने से पहले अगर मैं प्रवेश करती हुई जाऊंगी और इनके मार्ग को सुलभ बनाती हुई जाऊंगी, वो एका 10 गुण के कारण एका सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का। सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए।
एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल, फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। आप गाय को दीजिए। रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है, रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप, आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलहार आप कर रहे हो, तो फलहार का ही दान गौ माता को दीजिए। पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर, माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठते हो तो घट की जिभ्या से जप लो नी जी जी, वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत। महाराज पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो, भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में चुगल खोर भी बना है, और चुगल खोर के ऊपर ऐसा भाटा धर रहे हैं, पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम, रहे हो जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर। कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका दर्शन कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोर। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है, जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं। दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी वृद्ध कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है,
इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। तब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अब तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी, हो अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगे उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाए, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की जम के बोलिए एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयास रखें, प्रयास बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत तो उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए तुम्हारा, ये जो सावन भादो कुमार कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत तो एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी मान। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन कर रहे हैं एकादशी का तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए, तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं, स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है महाराज। एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर,
जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं, एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी। शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या मिलता है? हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने वाले की दो चीजें बदल जाती हैं। एक उसके दिन बदल जाते हैं और दूसरा उसका दिल बदल जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के दिन भी बदलते हैं और दिल भी बदलता है।